SPN 9 News. SPN 9 News में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए बलिदान हुए कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर शुक्रवार को आगरा पहुंचा था। इसी बीच यहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो ये बलिदान देते हुए सेना के सैनिक का पार्थिव शरीर वहां पहुंचा, उसके बाद यहां पर एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हुए सामने आया है। इस वीडियो को पहले आप देखिएगा, उसके बाद हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये वीडियो कितना ज्यादा भयावह है और कहीं ना कहीं जिस मैं यहाँ पर बताऊंगी कि जिस बेटे जिस माँ का एक बेटा ऐसे शहीद हो गया हो कम उम्र में, उस माँ के दिल पर क्या आंच पड़ती है। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो आपने ये वीडियो देखा कि वीडियो में यहाँ पर शहीद की माँ बिलखा के रोती नजर सामने आ रही है और यहाँ पर कुछ मंत्री और कुछ पार्षद और कुछ कार्यकर्ता जबरदस्ती उनके हाथ में एक चेक पकड़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शहीद के घर पर पहुंचकर यहाँ श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे कुछ मंत्री और इसी बीच ये मंत्री यहाँ जिस माँ को ये तक होश नहीं है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, वो ये सोच कर रोए जा रही है, भावुक यहाँ पर हो रही है, होश तक नहीं है उस यहाँ पर मैं बताना चाहूँ तो इस महिला को यहाँ होश तक भी नहीं है और जबरदस्ती उसको पकड़ा कर हाथ में ये चेक दिया जा रहा है। किस चीज के लिए ये इतना ज्यादा यहाँ पर दिखावट किया जा रहा है? क्या मतलब है इस दिखावटी चीजों का? क्या आप यहाँ पर जानबूझकर ये वीडियो बनवा कर ये दिखाना चाहते हैं कि हमने इतने पैसों की मदद कर दी, हमने उस शहीद की माँ को इतनी रकम दे दी, लेकिन यहाँ शायद उस माँ को इन पैसों की और रकम की जरूरत नहीं, यहाँ उस माँ को अपने बेटे की जरूरत है। तो यहाँ पर आपसे बस इतना ही पूछना चाहेंगे कि इस वीडियो को देख कर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर, तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।